हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी टाइम हो गए, बीच में वीडियो नहीं आई है ड्यू टू बिजी शेड्यूल। तो कोशिश करूँगी कि जैसे कंटिन्यू रहता है उस तरीके से वीडियो मेरी आती रहे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। पर्सनालिटी सबकी होती है, लाइक जैसे किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है। अब ये कैसे होती है, तो कोई अगर मान लो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता है, खुश रहने का तरीका उसे आता है, और कई मतलब पॉजिटिव ही है और उसमें उसको निगेटिव ही निगेटिव नज़र आता है। जैसे कि कुछ भी नुक्स ढूंढ लिया, कुछ भी ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, लाइक ऐसे होता है। तो ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात आती है तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो है, अगर मैं बताऊं कि ये कब पता चलता है, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमेशा 18 साल के बाद में देखा जाता है, कि 18 साल से पहले नहीं, 18 साल के बाद ये पता चलता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। ये तब मतलब कि डायग्नोसिस होता है। तो मैं बात करूंगी कि आखिर इसमें होता क्या है, कैसे पर्सनालिटी कैसे हो जाते हैं। देखा तो शुरू से जाता है, मतलब कि आप अगर देखोगे तो हम कई बार कहते हैं कि आप अपने बच्चे में, आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी है, तो अगर आप देखते हो कि कुछ अजीब से अगर हरकतें हैं जो शायद नॉर्मल नहीं है, जो आपको नॉर्मल नहीं लगता है, तो आप उसको नोट किया करो। ये ना कि एक दिन है, एक दिन से अगर ज़्यादा है कि हफ्ते 10 दिन तक अगर ऐसी ही आप देख रहे हो कि सेम टू सेम ऐसी मतलब वो प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे ही उन मतलब जो बिहेव है, कि बिहेव कुछ लोगों से हटके है, अलग लगता है आपको बिहेव, तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर के पास आने के लिए, और आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि कई लोग इसको नॉर्मल समझ लेते, कुछ बिहेव को नॉर्मल समझ लेते हैं। मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रही थी, इसमें कई तरह के से आते हैं। मैं आज बात करूंगी, जैसे कि कुछ ये जो साइकोटिक प्रॉब्लम में आती है, कि कुछ ऐसे होता है कि कुछ लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ मैं और मैं वाली बातें होती है, उन्हें उनकी ही अपनी बातें ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरे की बातें कि कोई कह दिया ठीक है, लेकिन वो सुनते नहीं है, उनका दिमाग ही नहीं होता है कि कोई बात कुछ बोल रहा है और वो उसको सुनेंगे। उनको अपने पे ज़्यादा भरोसा होता है और अपनी बातें वो ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनको सोशल होना पसंद नहीं होता है। वो ज़्यादातर, क्योंकि कई लोगों को होता है कि भाई सोशल होते हैं, कई लोग जैसे कि रोज़ अपने पिक्स क्लिक किए, फेसबुक पे डाला और इंतज़ार किया किसके लाइक आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं या कितने कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से होते हैं। इन जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इनको कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ से, मतलब कहते हैं ना कि सरोकार नहीं होता, वो बिल्कुल ही एक दुनिया अलग होती है उनकी, कि ना तो वो किसी बात को इंजॉय करते हैं, ना तो वो किसी गैदरिंग में जाते हैं, उनको अपने आप से ही ज़्यादा प्यार होता है और वो अपने आप में ही रहते हैं। लाइक जैसे वो कोई बात अगर कुछ भी ऐसा हो जाए तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उन मतलब अच्छा हो गया तो ठीक है, अच्छा ही है, सेम रिएक्शन जो होते हैं ना, सेम होते हैं, कुछ अच्छा हो गया तो ठीक है, बुरा हो गया तो ठीक है, एकदम से सेम रिएक्शंस होते हैं उनके। जैसे मैंने कहा कि 18 साल के बाद ये डायग्नोसिस होता है, लेकिन पहले आपको देखना चाहिए बच्चों में कि आखिर जो कुछ सिम्टम्स है अगर चेंज होते हैं, लाइक जैसे मैं बताऊंगी आपको कि मान लो कि कुछ वो बुरा किया, कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी, तो गलती करने के बाद में जैसे एक नॉर्मल इंसान है तो उसे कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस होगी, उसे लगेगा कि मैं गलती किया, मैंने गलती किया और यहाँ पे मुझे सॉरी होना चाहिए। या मान लो छोटे बच्चे होते हैं या कोई बड़े ही हैं तो वो सॉरी करेंगे, छोटे बच्चे जो है वो डर जाएंगे, मान लो कोई गलती तो वो पेरेंट्स से डर जाएंगे, या स्कूल में किया तो वो टीचर से डर जाएंगे, या कहीं भी ऐसे, तो उनको डर लगेगा और वो सॉरी करेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कि वो मान लो कोई बहुत बड़ी भी गलती कर ली, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को मार दिया, कोई चीज़ गिरा दी, कुछ तोड़ दिया, तो उनको उनके रिएक्शंस नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो शायद उस पर ज़्यादा वो हंसते हैं। कुछ बुरा करके भी कुछ हैपनिंग्स हो गया तो वहाँ पे उनके रिएक्ट करने का कुछ मोमेंट नहीं होता, वो सेम रिएक्शन में रहते हैं और उनको हंसी आती है। जैसे मान लो कि आपने कुछ डांट दिया, कुछ कह दिया,
अब मान लो वहाँ पे गलती करी, और गलती करने के बाद मान लो कोई क्या पेरेंट्स ही है या ऑफिस में मान लो कि बॉस है या कोई साथ में है, तो उन्होंने कह दिया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वेरी बैड, कैसे लग रहे हो, कितने बेशरम हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने ये काम किया है, तुमने इस चीज़ को तोड़ दिया और तुम्हें गिल्टी भी महसूस नहीं हो रही है, जस्ट शेम ऑन यू, बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन उनका सेम रिएक्शन, वो हंसते रहते हैं, उनको कुछ रिएक्ट नहीं होता है। और मतलब आप देखोगे कि ऐसे पर्सनालिटी में कि आप मतलब आपको गुस्सा आएगा, देख के गुस्सा आएगा कि इतनी बड़ी गलती करने के बाद में भी कोई रिग्रेशन नहीं हो रही है और कुछ भी ऐसा गिल्टी महसूस नहीं हो रहा है। और ऐसे लोगों को तो बहुत तेज गुस्सा करने का मन करता है, ऐसा होता है, लेकिन जब सामने जो जिसको जिसे प्रॉब्लम है, एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है, वो जानबूझ के नहीं करते क्योंकि उनमें आता ही नहीं ऐसे कुछ जो रिएक्शन है वो दे ही नहीं पाते हैं, तो वो सिर्फ हंसते रहते हैं। और मानो टीचर ने ही मार दिया किसी की, आपने आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो उस पर वो सॉरी नहीं या कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देगा, वो सिर्फ हंसेगा। तो ऐसे जब आप देखते हो, अगर आपके छोटे बच्चों में भी अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, तो आप देखना और उस पर अमल करना या उसको समझाना, या आप जो भी तरीका, बहुत सारे ऐसे थेरेपी हैं तो उसको लेना आप शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब छोटे होते हैं बच्चे के, मान लो 6, 7 या 10 या 12 साल के ऐसे होते हैं, तो वो धीरे धीरे उन बातों को समझने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही 18 साल के बाद में ये समझ में आता है, तब तक के लिए क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और डायग्नोसिस इसमें प्रॉब्लम भी साइकोटिक जो ये प्रॉब्लम है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो ये 18 साल के बाद में ही देखा जाता है। इसमें क्या है कि क्या है जो मान लो ये रिलेशनशिप नहीं बना पाते, कोई भी इनका किसी से भी रिश्ता नहीं होता, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि इनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है, वो अकेले में खुश है, मतलब दुख में भी एक जैसा, और कहीं पे अगर खुशी का मोमेंट है तो वहाँ पे भी एक जैसा, तो एक जैसा ही इनका मतलब कि मोमेंट रहता है, और कुछ रिएक्शंस नहीं देते हैं ये, जैसे अकेले से ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि अकेलापन उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले से ज़्यादा प्यार। मानो कि उनको मन किया कि अभी निकलना है, तो निकलना है तो चलो कहीं पहाड़ों में घूम के आते हैं, तो कहीं बहुत दूर तक मुझे चलना है, और चल के हम यहाँ से बस लेंगे या यहाँ से हम ट्रेन लेंगे या जैसे भी, तो वो माइंड सेट करते हैं अपना, एक अकेले निकल जाना है, थोड़े से पैसे ले लेने, थोड़े से पैसे में भी वो एडजस्ट कर जाते हैं कि इतना, वो एग्जैक्टली सोच के जाते हैं कि इतने पैसे में मुझे ये करना है, और घूमने निकल जाते हैं वो, तो सडनली वो चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो किसी का साथ नहीं चाहिए होता है उनको, वो खुद में ही मतलब कि होते, खुद में रहना चाहते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, किसी को बताना नहीं है किसी को, वो किसी को अपने बारे में, मतलब अगर मान लो कोई गलती करी है, कहीं जाना है या कहीं कुछ अच्छा करना है, तो वो ये नहीं थिंक करते हैं कि मुझे किसी को बताना है, मुझे किसी को कहना है, वो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, अपने आप को ही समझते हैं ज़्यादा। तो इस तरीके की बातें होती है, कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं ऐसा भी, बट रेयर में होता है। आप देखोगे तो इनको 2-4 चीज़ों से ही प्यार होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि लोगों की अभी के टाइम अगर देखा जाए तो सोशलाइज्ड होना बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जैसे कि आज इंस्टाग्राम है या ऐप भी है या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पे लोग अपने वीडियोज़ डालते हैं, रील्स डालते हैं, फोटोज़ डालते हैं, और इंतज़ार करते हैं कि कितने लाइक्स आएँ और कितने कमेंट्स आएँ। ये बहुत दूर रहते हैं ऐसे जिन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, वो ना तो अपनी पिक क्लिक करते हैं, ना तो वो कोई सोशल मीडिया पे होते हैं, क्योंकि ये फोबिया होता है उनको, सोशलाइज तो वो होते ही नहीं हैं, तो इनसे वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपने आप में रहना, कहीं निकल जाना, कहीं चले जाना, या सम टाइम किया कि मान लो किसी को पेंटिंग है, मतलब 2-4 चीज़ों से ज़्यादा उनको लगा होता है। बहुत से मैंने पेशेंट में देखा ऐसा कि उनको एनिमल्स से ज़्यादा, मतलब इंसान से ज़्यादा वो जानवरों से प्यार करते हैं, अगर वो प्यार करते हैं तो पूरे डेडिकेशन से, मतलब प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी जाना है, किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करते, वो अपने आप में जो उनको लगता है कि अगर मुझे मान लो, बहुत से ऐसे होते हैं कि डॉग से प्यार करने लग जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स से, तो कैमरा लिया और निकल गए, लेकिन वो कहीं पोस्ट नहीं करते,
वो खुद के पास में मतलब ले लिया, पिक्स ले लिया और रख लिया। नहीं तो मान लो कोई पेंटिंग अगर करता है तो वो पेंटिंग वो कहीं दिखाते नहीं, वो छुपा के रखना पसंद करते हैं, किसी को नहीं दिखाते। इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, कुछ बिग प्रॉब्लम जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ, लाइक वो रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। लाइक जैसे वो चाहे अगर मान लो मेल में या फीमेल में देखा गया है कि वो मतलब फिजिकली जो बात है उससे वो बहुत दूर रहते हैं। जैसे कि मान लो किसी का रिलेशन है, वाइफ हस्बैंड है, तो अगर वाइफ हस्बैंड है तो अगर मान लो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उनका जो एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है वो कभी नहीं बन पाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वो मतलब समझ ही नहीं पाता है इन चीज़ों को। और ये सिम्टम आप देखोगे तो शायद जैसे बच्चे कहते हैं कि बड़े होना 18 साल के बाद जैसे ये डायग्नोसिस होना शुरू कर देता है, तो और सब बच्चे जैसे देखा गया है कि अभी के टाइम में कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ मूवीज़ देखने लग जाते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया या बहुत सारे ऐसे चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं। अगर जिस जिन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो उनको देखोगे आप कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं बिल्कुल, उनको नहीं पता चलता है कि मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, फिज़िकल रिलेशनशिप क्या है या कुछ ऐसा चीज़ उनको नहीं पता चलता है। तो ये लोग इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं कि अगर मान लो शादी अगर ज़बरदस्ती के, क्योंकि आप भी हमारा समाज है कि बहुत टाइम आप 30-31 के हो गए हो, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है तो खींचते खींचते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि वो शादी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और मतलब शादी ही नहीं करना चाहते वो, तो इससे उम्र खींच जाती है और शादी नहीं हो पाती। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती मतलब वो शादी करवा देते हैं, पर इसमें क्या होता है कि वो उस तरीके के रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो ये बिल्कुल भी देखा गया है कि कुछ जैसे मैंने 2-4 चीज़ें आपको बताई कि वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते, वो किसी गैदरिंग में नहीं जाना चाहते, दैट मीन कि किसी सोशलाइज नहीं होना चाहते, किसी भी तरीके से वो कहीं पे भी अटैच नहीं होते हैं, उनको ना तो उनका कोई फ्रेंड्स बनता है ना वो बनाना चाहते हैं। और तीसरी क्यों ना मतलब मान लो कि शादी का मतलब ही उन्हें नहीं पता चलता है कि क्या है शादी, तो अगर मान लो शादी हो भी गई तो मतलब वो फिज़िकल रिलेशन नहीं बना पाते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जिन्हें भी इनके इसकी प्रॉब्लम है। अकेले घूमने निकल जाना, अकेले चले जाना या किसी दिमाग में कुछ एक बात बिठा लेना और वही कर लेना, अपने आप में खुश रहना, अपने आप में दुखी हो जाना, तो इस तरीके से। बट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जैसे कई सारे ऐसे मैंने प्रॉब्लम्स में बोला कि मूड स्विंग्स होता है, मतलब स्विंग होते हैं मूड, लेकिन इसमें क्या है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कि उनको उनके रिएक्शन नहीं होते हैं, हंस रहे तो वो हंस रहे, चुप है तो चुप है, अकेले है तो अकेले है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में मैंने देखा है कि कुछ बहुत इक्का दुक्का जो होते हैं वो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि मान लो अगर उनको एक आदत, जैसे उनको एक आदत है जो बहुत अच्छी लग जाती है, तो बुक्स पढ़ने की ही आदत है, कुछ नॉलेज लेने की आदत है, तो वो नॉलेज भी लेते हैं, लेकिन उस नॉलेज को वो बाहर नहीं निकालते, उस वो नॉलेज उन्हीं तक सीमित रहता है। कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं मान लो डिबेट हो रहा है तो वो वहाँ पे चुप रहेंगे, वहाँ पे बोलेंगे नहीं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे अगर कोई पर्सनालिटी अगर आपको दिखती है, और अगर आपके घर में आपके बच्चे अगर आपको लगता है कि अगर आप उनको मार रहे हो तो भी उनका रिएक्शन ऐसे ही है, वो हंस रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई गलती उसने कर ली है तो वो गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। तो अगर कुछ ऐसा आपको अपने आजू बाजू कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है तो आप जहाँ तक हो सकता है कि आप उनको सतर्क करा दो कि ये एक प्रॉब्लम है, और अगर आपके घर में है तो आप सतर्क हो जाएं कि ये एक प्रॉब्लम है और डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत सारी ऐसी थेरेपी है, काउंसलिंग है, जो हद तक ठीक हो जाती है ये प्रॉब्लम काउंसलिंग से। मेन जो होती है कि कुछ लोग दवाई के साइड में जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि दवाई के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो थेरेपी है उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कुछ जो साइकोटिक प्रॉब्लम है थेरेपी से आई थिंक जड़ से ख़त्म होती है, तो वो जो दिमाग में आपके बैठी रहती है, जो आपकी एक आदतें होती है, उसको जड़ से ख़त्म करते हैं। तो हो सके आपको तो डॉक्टर से जल्द से जल्द कंसल्ट करो, और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो उसकी मतलब उसके सोल्यूशन पे जाओ, ना कि आप इसमें टाइम लगाओ। तो आज के हमने की पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात,
आगे फिर से हम किसी ऐसी साइकोटिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलती है, कुछ समझने को मिलती है। अगर इस तरीके का आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके मानसिक स्थिति के लिए, आपके मतलब खुशियों में मैं शरीक होती हूँ या आप उन बातों को समझ के फॉलो करते हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। एक ज़िंदगी मिली है और इस ज़िंदगी को भरपूर ऊर्जा के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में, एक दूसरे के साथ में और खुशियों के साथ में हंसते मुस्कुराते और बहुत ज़िंदगी को ईजी करते हुए, अगर प्रॉब्लम कोई है भी तो उसका सोल्यूशन भी है ये सोचते हुए और हंसते मुस्कुराते डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते हुए ज़िंदगी को जिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।